आप सबका गोपाला जी का नमन। हेमेरॉइड्स, बवासीर जिसको बोलते हैं, पाइल जिसको बोलते हैं, इसको अपने अपनी भाषाओं में पता नहीं क्या, महेशी भी कहीं कहीं कहते हैं, अतिसार इसको बोलते हैं। बहरहाल जो भगवान न करे कोई इससे भुक्त भोगी हो, जो इसका कष्ट जो भुक्त होता है वही समझ सकता है। और फिर इसके बाद में इसके तरह तरह के वैरायटीज़, जो ब्लडी पाइल्स है या बादी पाइल्स है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो फिर सर्जरी ट्रीटमेंट इसका कष्टकारी, बहुत बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी, भगवान न करे किसी को हो। मगर क्या ये भी पॉसिबल है कि बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी सर्जरी के ये ठीक हो जाए? बड़ा अचंभे वाली बातें हैं ना। ऐसा हुआ प्रैक्टिकली, जो मुझे देखा मैंने किसी के पर्सनल लाइफ में। देखते रहिए आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, यूनिक चीज़ें लेके आता हूँ, वो चीज़ें लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं जिनका कहीं ना कहीं जिनके कोई परिणाम है, जिनके ऑथेंटिक हैं जो चीज़ें, क्या है कैसे है तो भगवान जाने। मैं बताता हूँ, देखिए आपको, आप सुनेंगे आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के। एक हमारे मित्र हैं रामपाल, यही हमारे अपने शहर में, उनके एक परिचित हैं, सीनियर ऑफिसर हैं एयरफोर्स में, रिटायर हो गए अब तो। पिछले मेरे ख्याल से 20-22 वर्षों से, जैसे बताया उन्होंने, पाइल्स से, ब्लडी पाइल्स से परेशान थे वो। सारे ट्रीटमेंट, जितने पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सर्जरी भी उनकी हो गई थी शायद, सर्जरी के बाद भी उनको बड़ा प्रॉब्लम्स में थे बहुत वो। तो कहीं किसी ने उनको बताया कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। वो खुद ताज्जुब करते हैं और जिसको मैंने बताया वो भी ताज्जुब करता है। मैंने क्लिनिकल, जो मेरे मेडिकल फ्रेंड्स हैं, मेरे जो प्रोफेशन में हैं, फिजिशियन हैं, उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने भी अचंभा किया। अचंभा इसलिए कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है ही नहीं कि जो पाइल्स को ठीक करने के लिए कारगर हो। समझ में नहीं आती क्या चीज़ है, क्या कारण है, कैसे है, जो भी है। बहरहाल देखिए, सबसे पहले तो मैं मान के चलूँगा कि क्लिनिकल एडवाइस, मेडिकल आपका जो अपने जो आपके पर्सनल फिजिशियन हैं उनकी एडवाइस, जो मेडिकेशन प्रॉपर ले रहे हैं, जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हैं ही। देखिए वो तो करिए अपने साथ में, अगर विश्वास हो, है ना, अगर अपना अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना इंटेलेक्ट आपकी आत्मा गवाही देती है तो इसको करें, है ना। कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी डैमेजिंग चीज़ है जो कहीं हार्म करे। मगर फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी चीज़ें मेरी करने से पहले अपना बुद्धि और अपना विवेक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके कॉन्शियस अलाउ करती है तो आगे बढ़ें, नहीं कॉन्शियस अलाउ करती, क्योंकि कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों में। मैं बार बार कहता हूँ, सोच लें, समझ लें, खुद देखेंगे कि अब जैसे बहुत साधारण सी चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो फार्मूला बताया उन्होंने मुझे, मैं खुद अचंभा करता हूँ कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है। 1 तोला सफ़ेद आँख, श्वेतार्क जिसको बोलते हैं, बुढ़िया के बाल आपने देखे होंगे, उड़ते होंगे, कौवा भी कहते हैं इसको, पानी निकलता है इसमें से, दूध निकलता है वाइट से कलर का, नीले रंग का भी होता है, वाइट कलर का जो श्वेतार्क होता है ये लेना है। इसकी जड़ लेनी है, जड़ इसकी 1 तोला, जो इसकी क्वांटिटी है, 1 तोला तोल लें उसको, और तोलने के बाद में अपना उसको देख लें प्रॉपरली, साफ वाफ कर लें, जैसा भी जो भी तरीका हो, धो लें, वॉश कर लें प्रॉपरली। और 1 तोला जो जंगली बेर होता है, बेर भी एक तो बड़े वाले होते हैं, एक जंगली बेर जो झाड़ी में, जो झड़बेरी वाले बेर होते हैं जिनके बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उसकी रूट, ये 2 रूट जमा हो जाएंगे, 1 तोला आपकी श्वेतार्क की जड़ और 1 तोला जंगली बेर की जड़। इनको सुखा लीजिए, और सुखाना इनको छाए में सुखाना है, जितना भी टाइम लगे आपको सुखाने में, इसको कहीं इसको शेड में सूख जाए, जब ये सूखने के बाद में इसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा बिल्कुल, जितना महीन से महीन पाउडर पीस सकते हैं इसका पाउडर बना लीजिए। और इसको पाउडर बना के इसकी 4 भाग कर लीजिए, इसको 4 पुड़ियाँ बना लीजिए, 4 पुड़ियाँ बना के रख लीजिए। किसी भी सैटरडे को निहार मुंह मॉर्निंग में कुछ खा भी सकते हैं हल्का सा, अगर मान लीजिए ब्रेकफास्ट लेते हैं तो लाइट ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद में ब्रेक दे दें आधे घंटे 1 घंटे का, इमिजिएटली खाने के बाद में नहीं। केले को बीच से काटें, जैसे आप देखा होगा आपने कि केले में मसाला लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, मसाला आता है नमक मिर्च लगा के, उसमें मसाला नींबू लगा के स्वाद बनाने के लिए, तो केले को बीच से कट करें, और कट करने के बाद में जो 4 पुड़ियाँ बनाई हैं उसमें से 1 पुड़िया उसमें भर दें केले के अंदर, और ये केला खा लें।
बस इसके बाद में घंटे आधे घंटे कुछ नहीं खाए, उसके बाद में जो रूटीन है खाने का अपना, इस तरह सैटरडे को स्टार्ट करें और सक्सेसिव सैटरडे में, चार सैटरडे में वो जो चार पुड़ियाँ बनाई हैं, एक एक पुड़िया केले के साथ वैसे उसको काटिए, उसमें भरिए और खा लीजिए। कोई परहेज नहीं बताया उन्होंने इसके लिए, सिर्फ एक परहेज बताया कि इन चार सैटरडे के बाद, एक महीने के बाद में 7-6 महीने तक केला नहीं खाना है, बस मात्र इतना सा परहेज। और आप ताजुब करेंगे कि जो उनकी 20-22 वर्ष पुरानी पाइल्स थी, ब्लडी पाइल्स थी, बड़ी सीवियर पाइल्स थी उनको, वो ठीक हो गई उनकी, जो उनके खुद मुंह से, मैं अब तो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, मगर जो उन्होंने बताया तो मुझे अचंभा हुआ। मैंने बताया एक दो लोगों को, उन्होंने ट्राई किया, जिसके रिस्पॉन्स मिले उन्होंने बताया, जो ठीक होते हैं पता नहीं चल पाती है हमें चीज़ों का। तो ये चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर फिर वही बार बार अपने रिस्क पे, अपने डॉक्टर की सलाह पे, और जो मेडिकेशन अपने रूटीन में चल रहे हैं वो चलते रहें। बहुत छोटी सी चीज़, बहुत अच्छी सी चीज़, मैंने ऐसी और बहुत सारी 2-3-4 चीज़ें इस टाइप की देता रहता हूँ मैं छाट के, मगर वो चीज़ें देखता हूँ जो यूनिक होती हैं और जिनके मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं सामने, वो चीज़ें। थैंक यू दोस्तों, वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।